अगली खबर है आगामी त्योहार दिवाली को लेकर। दिवाली महापर्व नजदीक है। हिंदू परिवार के घरों और दुकानों में इन दिनों साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, इस साल शहर में अब तक साफ सफाई के दौरान बड़ी संख्या में घरों से जहरीले सांप और अन्य जीव जंतु निकल रहे हैं। डर और भय के बीच कुछ लोगों ने स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया तो कुछ ने सांपों को मार भी दिया। न्यायधानी में नर्सिंग अधिकारी के पद पर पदस्थ और स्नेक रेस्क्यूअर अजीता पांडे सांपों को बचाने इन दिनों कड़ी मेहनत कर रही हैं। घरों में जाकर लोगों को सांपों को नहीं मारने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। अजीता ने बताया कि बीते एक सप्ताह के भीतर पकड़े गए सांप और घरों की गतिविधियों को लेकर विस्तार से बातचीत की है। अजीता ने कहा कि इन दिनों घर में साफ सफाई का कार्य चल रहा है। किसी के बेडरूम, रसोई तो घर के छज्जे या पटाव में सांप निकला है। चिंगराज पारा के संदीप गुप्ता के घर में बेलिया कैरेत घुसा हुआ था, जिसे रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। उसी तरह अरपा नदी के पुराने पुल के पास एक गोदाम में असढ़िया बोरे के बीच छुपा हुआ था, जिसे स्थानीय लोग मारने वाले थे। इस सांप को बचा लिया गया। खमत राय के अन्नू ठाकुर और गीतांजलि सिटी की अंकिता राय के घर साफ सफाई के दौरान कोबरा के दर्शन हुए, जिसे देख घर वालों के पसीने तक छूट गए थे। लगभग अलग अलग प्रकार के 26 सांपों को बचा लिया गया, जबकि कुछ जगहों में पहुंचने से पहले लोगों ने सांप को भगा दिया या फिर उसकी जान ले ली। अजीता ने अपील करते हुए लोगों से कहा कि दिवाली में सावधानी से घर की साफ सफाई करें। यदि सांप नजर आए तो उसे बिल्कुल मारे नहीं, बिना डर के किसी भी स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्य को कॉल कर बुलाए। तो काटते नहीं काटते हैं लोग, तो जानती थी तुम, कुछ भी नहीं करे कहा था, कहाँ है तेरा अम्मा, मोबाइल नहीं भिड़वा देती अम्मा ने, बोला तो अम्मा कोला का थी। बच्चा सॉरी, चलो